एक बार एक लड़का था जो बहुत गरीब था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह चित्र बहुत अच्छे बनाता था पर उसके पास कॉपी पेन खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन एक बाबा प्रकट हुए। बाबा ने उस लड़के को एक पेंसिल दी और कहा कि इससे तुम जो भी चित्र बनाओगे वह प्रकट हो जाएगा, परंतु इसका स्वार्थ के लिए प्रयोग मत करना वरना यह जलकर राख हो जाएगी। उसने एक व्यक्ति को लकड़ी बना कर दी और एक महिला को फलों की टोकरी बना कर दी जो बहुत भूखी थी। और इसी प्रकार उसने अन्य व्यक्तियों की मदद भी की। जब वह शाम को घर पर जा रहा था तो उसे उसका पड़ोसी मिला। उसने पूछा, तुम सभी लोगों की मदद कैसे कर रहे हो? तो उसने पेंसिल के बारे में सब कुछ बता दिया कि वह पेंसिल उसे बाबा ने दी है। वह पड़ोसी एक लालची व्यक्ति था। उसने सोचा, मैं इस पेंसिल को चुरा कर अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। रात को वह व्यक्ति उस लड़के के घर पर आता है और वह पेंसिल चुरा कर ले जाता है। उसने घर पर आकर उस पेंसिल से पैसों का थैला बनाया पर उस थैले में आग लग जाती है, क्योंकि बाबा ने कहा था कि इस पेंसिल का स्वार्थ के लिए उपयोग करने पर वह वस्तु और पेंसिल दोनों जल जाएंगे। में उस व्यक्ति को बहुत दुख होता है।